हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमिरेट्स T20 की, जो कि मैच होगा यहाँ से दुबई वर्सेस अजवन के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर ईच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे यहाँ से इसी T10 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, झारखंड T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, साथ ही में आपको बुखातिर T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे और यहाँ से बहुत ही जल्द बुखातिर T20 शुरू होने वाला है। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह को टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसीजन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो यह मैच शाम को 4:30 पर ICC एकेडमी दुबई UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो वैसे तो बैटिंग फाइनली पिच है, लेकिन शुरुआत के अंदर यहां से पेसर्स को हेल्प मिल सकती है और सामने वाली टीम के कॉलेज कराने के चांसेस जो होते हैं वो शुरुआत के ओवर्स में ही होते हैं। बाकी एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 150 के प्लस तो आराम से स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड अभी तक 23 मैचेस खेले गए, जिसमें से 13 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, 10 बार ऐसे पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती। तो जाहिर सी बात है, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले चेज करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी टीम दुबई की। तो दुबई का अभी तक परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। 8 मैच खेली, जहाँ से सिर्फ 2 मैच जीत के आ रही है, 6 मैच हार के आ रही है। लास्ट मैच की बात की जाए तो अहान फर्नांडिस के साथ यहाँ से पुनिया मेहरा ने ओपनिंग किया, लेकिन इससे पहले बहुत सारे भाई मेरे यहाँ से ओपनिंग करके जा चुके हैं, जैसे कि यहाँ से शमी मलिक ओपनिंग कर चुके हैं। यहाँ से बेंच की भी बात करो तो यहाँ से श्रेय शेट्टी ओपनिंग कर चुके हैं, रौनक पनौली ओपनिंग कर चुके हैं, यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। तो लास्ट मैच की बात करें तो अहान फर्नांडिस और ऐसे पुनिया मेहरा दोनों ने किया। अहान फर्नांडिस जल्दी आउट हो गए, वैसे प्लेयर्स काफी बढ़िया है। यहाँ से अहान फर्नांडिस की बात करूँ तो आपको T20 में यहाँ से 80-100 रन भी मार के दे सकता है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस के इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। इवन एक बार फिर से आप लोग इनको चाहे तो यहाँ से ग्रैंड लीग में इनको एज अ प्लेयर आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर ये खेल गया तो यहाँ से वन साइडेड विनिंग करवा सकता है, तो डिफरेंशियल वे में जरूर लेके जा सकते हो। बाकी पुनिया मेहरा हर एक मैच के अंदर अच्छा स्कोर करते हुए आ रहे, तो वो तो डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए। सूर्या सतीश की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर उन्होंने ओवर्स नहीं, इससे पहले बाकी सारी मैचेस के अंदर बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ही से अच्छा कर रहा था, तो एज अ प्लेयर एक बार फिर से आप लोग इनको लेके जा सकते हो। तो ये आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए। बाकी रमेश चंदान डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए, लास्ट मैच के अंदर 6 रन किए, बाकी इससे पहले सारी मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, टीम की कैप्टनशिप करवा रहे, एक जिम्मेदारी भरी नॉक इनकी तरफ से वापस एक बार आ सकती है, तो एज अ प्लेयर यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इवन थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सको तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो, और ग्रैंड लीग के लिए यहाँ से अहान फर्नांडिस को एक आधी टीम के अंदर जरूर कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई करना। बाकी अम्मार बदामी लास्ट मैच के अंदर 34 रन किए, लेकिन इससे पहले इनका परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं, तो शायद इनको लेके जाना थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे हैं। बाकी फारूक मोहम्मद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ये भाई साहब हर एक मैच के अंदर बैटिंग से बॉलिंग से कमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हो 32 रन किए, 16 रन किए, तो पिछले दोनों मैच के अंदर बैटिंग से भी ठीक करे और यहाँ से बॉलिंग से लास्ट मैच के अंदर 4 विकेट निकालते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे फारूक मोहम्मद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए। बाकी शिवल बावा ने लास्ट मैच के अंदर ओवर्स की, इससे पहले उन्होंने ओवर्स नहीं की, तो बैटिंग से अच्छा कर सकता है, लेकिन यहाँ से दुबई की पिचेस पर इतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन शारजाह में यानी कि बुखातिर T20 में अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे शिवल बावा जो है डिफरेंशियल वे में ट्राई करोगे, स्मॉल लीग के लिए थोड़े से रिस्की रह सकते हैं। बाकी अली नसीर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, लास्ट मैच में भले ही उनको विकेट्स ना मिले, लेकिन इससे पहले 3 मैच के अंदर लगातार विकेट निकालते आ रहे हैं, तो इनको डेफिनेटली ट्राई करोगे। शमी मलिक एक अच्छी पिक है, इनको डेफिनेटली ट्राई करोगे, ये भाई साहब ओपनिंग भी करवा चुके हैं और कभी भी बैटिंग से भी ऊपर आ सकते हैं, तो इनको डिफरेंशियल वे में जरूर ट्राई कर सकते हो। इवन विकेट्स वगैरह चटका रहे, हालांकि लास्ट मैच के अंदर विकेट नहीं, इससे पहले पहले मैच के अंदर विकेट नहीं मिली थी, बाकी हर एक मैच के अंदर अच्छा कर रहे, तो इनको लेके जा सकते हैं। बाकी अंकुर संगवान ने लास्ट मैच के अंदर विकेट निकाला, तो मैंने आपको डिफरेंशियल वे में इनके लिए बोला हुआ था कि अंकुर संगवान डिफरेंशियल वे में आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, और पर्सनली मुझे ये प्लेयर्स काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक मैच के अंदर लगभग अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। हालांकि इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये टूर्नामेंट इनके लिए इतनी अच्छी नहीं गई। बाकी यहाँ से हर्ष बोराडे, ये भाई साहब यार बहुत ही ज़्यादा कमाल कर रहे हैं,
तीन मैच के अंदर तीन तीन विकेट निकाल चुके, तो यहाँ से एज अ प्लेयर तो इंपॉर्टेंट है। इवन थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सको तो इस भाई साहब को आप कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो। हो सकता है बहुत सारी जनता इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करके आ भी सकती है। बाकी स्टार्टिंग ओवर्स की बात की जाए तो ऐसे संगवान के साथ यहाँ से बोराडे स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स में लास्ट मैच की बात करो तो शमीम अली, अली नशीर और यहाँ से एच बोराडे ने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की थी। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में पहुँचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे चेंजेस वगैरह करने की, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। बाकी बात करते हैं हम लोग यहां से टीम अजमन की, तो सात मैच खेली, जहां से चार मैच जीत के आ रही है, तीन मैच हार के आ रही है। ओपनिंग की बात की जाए तो ऐसे संदीप सिंह और यासिर कलीम दोनों ने ओपनिंग करवाया, और ये दोनों ही प्लेयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो दोनों ही एज अ प्लेयर मैं जरूर लेके जाऊंगा। यहां से इवन यहां से सागर कल्याण को भी लेके जाएंगे, क्योंकि बैटिंग से तो अच्छा कर ही रहे, साथ में कभी कभी बॉलिंग डाल लेते, चार ओवर डाल के विकेट वगैरह चटका लेते, तो इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे। दाऊद एजाज डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए, तो ये टॉप में तो ये टॉप के चारों ही प्लेयर्स आपकी टीम के अंदर जरूर रहने चाहिए, और ये चारों में से किसी को भी ऊपर आप कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का रिस्क भी ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर बात करो तो ऐसे दाऊद एजाज, यासिर कलीम, ये दोनों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि यासिर कलीम आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेगा, और दाऊद एजाज अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे, तो इन दोनों को कैप्टन या वाइस कैप्टन करके जा सकते हो। बाकी हमिद खान ने लास्ट मैच के अंदर 25 रन किए, लेकिन इससे पहले इनका परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही मैच के अंदर था, जहाँ पर उन्होंने 66 रन किए थे। बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर वो अच्छी चॉइस ना मिले तो ऐसे हमिद खान को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी ऐसा मोती और रग पिछले कुछ मैचेस के अंदर उन्होंने ओपनिंग वगैरह भी किया, लेकिन परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा, तो इनको तो मैं स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल प्रिफर नहीं करता। यहाँ से अंश टंडन लास्ट मैच में एक बार फिर से नीचे खेले, ये भाई साहब जब भी ऊपर से खेलते तब अच्छा करते हैं, हालांकि एक बार ओपनिंग भी करवा चुके हैं इस टूर्नामेंट की बात करो तो कभी भी ऊपर से भी खेल सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, इनको डिफरेंशियल वे में जरूर ट्रैक कर सकते हो। बाकी सुल्तान अहमद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ही से कमाल कर सकते हैं, हालांकि यहां पर एक ही मैच के अंदर विकेट नहीं मिली, लेकिन वहां पर भी उन्होंने 34 रन कर दिए थे, तो ऐसे बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ही से अच्छा कर सकते हैं। यहां से नव पबरेजा और नासिर अजीज और मोहम्मद अजहर, तो इनका बॉलिंग अटैक काफ़ी तगड़ा है, तो इनको बॉलिंग अटैक में से लगभग कौन से बॉलर को छोड़ना वो मेरे लिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहने वाली है, तो देख लेते हैं, लास्ट में चर्चा करते हैं इनके बारे में। लेकिन यहाँ से मोहम्मद अजहर, नासिर अजीज और यहाँ से सुल्तान अहमद, ये तीनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये तीनों में से तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। बाकी स्टार्टिंग ओवर्स की बात की जाए तो सुल्तान अहमद और लुकमान हजरत स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स में नासिर अजीज, लुकमान हजरत और यहाँ से हसीबुर रहमान, लुकमान हजरत लास्ट मैच नहीं खेले थे, तो यहाँ से नासिर अजीज और नव पबरेजा या फिर मोहम्मद अजहर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी के लिए आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे यासिर कलीम बेस्ट पिक रहेंगे, बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे पुन्या मेहरा, दाऊद एजाज और रमेश सहजाद को लिया है। लेकिन एक चॉइस है जो मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहूँगा, एक या तो फिर आप लोग यहाँ से संदीप सिंह को लेके जा सकते हो, या फिर यहाँ से सागर कल्याण को लेके जा सकते हो, तो दोनों में से किसी एक को आपको ड्रॉप करना है, क्योंकि सागर कल्याण थोड़े से नीचे खेलेंगे और संदीप सिंह थोड़े से ऊपर खेलेंगे, तो दोनों में से किसी एक को लेना है। तो अभी के लिए तो अभी मैं बैटिंग सेक्शन से ही तीनों को लेके जाऊंगा, पुन्या मेहरा, दाऊद एजाज और रमेश सहजाद। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करो तो ऐसे फारूक मोहम्मद, नासिर अजीज और ऐसे सागर कल्याण को मैंने लिया हुआ है, अली नासिर को भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो हर्ष बोराडे, यहाँ से सुल्तान अहमद, नव पबरेजा और यहाँ से मोहम्मद अजहर हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। तो अभी के लिए टीम को जिस तरह से रह सकती है कि कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे दाऊद एजाज, और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो हर्ष बोराडे ठीक रहेंगे, हर्ष बोराडे को वाइस कैप्टनशिप दी हुई है। आप चाहे तो ऐसे सुल्तान अहमद को दे सकते हो, नासिर अजीज को दे सकते हो, फारूक मोहम्मद को दे सकते हो, ये बहुत सारे प्लेयर्स है, किसी को भी आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, सारी मैंने ऑप्शंस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं। तो अभी के लिए टीम को जिस तरह से रह सकती है हमारी कि कैप्टन हमारे यहाँ से दाऊद एजाज और वाइस कैप्टन हर्ष बोराडे रहेंगे, लेकिन ऑप्शंस तो सारे मैंने आपको बता दिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए। तो याद रहे कि ये जो टीम है ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में, फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनके से अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से फाइनल अपडेट और टीम वगैरह जो आपको मिलने वाली वो पूरा आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगी।
बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ECS T10 झारखंड T20 और साथ ही में आपको मिल जाएगा यहाँ से बुखातिर T20 की वीडियो। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।